जय सियाराम। मैं संदीप नोखवाल। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को यानी कुछ ही दिनों बाद अयोध्या के अंदर भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में धर्म के ठेकेदार एक्टिव हो चुके हैं, यानी धर्म के नाम पर अपना धंधा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करना चाहते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मैंने काफ़ी एक्चुअली शुभ खबरें भी पढ़ी है, मैंने टीवी चैनल की खबरें भी देखी, मैंने भास्कर की रिपोर्ट भी पढ़ी। आप कहीं पर सर्च मारेंगे तो शायद आपको अवेयरनेस मिल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे को कुछ रील देखने को मिल रही है इंस्टाग्राम पर, कुछ पॉपुलर लोग रील डाल रहे हैं कि इस ट्रस्ट से आप, उस वेबसाइट से आप प्रसाद ऑर्डर कीजिए, प्रसाद आपके घर पहुंच जाएगा, आपसे कुछ डिलीवरी चार्ज दिया जाएगा या कुछ फ्री में देने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे आखिर चाल क्या है? सबसे पहले आपको बता देता हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा या राम मंदिर की किसी भी ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कोई भी रूल नहीं है प्रसाद होम डिलीवरी का या प्रसाद बांटने का। ये सब फ्रॉड या धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए। आप पता करेंगे, आप कहीं पर भी पता कर सकते हैं। आप अयोध्या अगर आपका कोई नोन है तो आप वहां पर पता कर लीजिए, या आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन तो आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। ये लोग क्या करते हैं साथियों, अगर आप पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो आप यूज करेंगे, वो आपकी डिटेल चुरा लेंगे या आपसे फोन करके आपसे OTP वगैरह मांग लेंगे, यानी आप फिशिंग का शिकार हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा शिकार हो चुके हैं या आपके पास कॉल आती है तो आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर 1930 पर संपर्क कर साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस फ्रॉड से बचिए। आस्था के नाम पर ये एक बहुत अन्याय किया जा रहा है, खासकर राम भक्तों पर। यानी हम राम के भक्त हैं, हम चाहते हैं कि हम अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, हर कोई चाहता है कि प्रसाद हमारे घर पर पहुंच जाए, हम पूजा कर पाए। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, राम भक्तों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले विदेशी भी हो सकते हैं, विदेशों में बैठे हुए फ्रॉड कर सकते हैं या धर्म के ठेकेदार फ्रॉड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मंदिर के पुजारियों के पास कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। ये लोग लूटने का काम करते हैं, एक ऐड बड़ा गल्ला रख देते हैं, उसके अंदर आप 500 ना डालो, 1000 डालो, 20,000 डालो, आखिर उस पैसे का करेंगे क्या? ना तो वो किसी गरीब की हेल्प करते हैं, ना वो किसी गरीब कन्या की शादी करवाते हैं। ऐसे ऐसे धर्म के ठेकेदार थे इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो साथियों कुछ नेगेटिव लोग, कुछ फ्रॉड लोग एक्टिव हो चुके हैं राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो है स्पेशल हरियाणा वासियों के लिए है, यानी हरियाणा वासी लोग इसका ज़्यादातर शिकार होते हैं और देशवासी, पूरे देश के लोग भी इसका शिकार बन सकते हैं। तो आप शिकार ना बने, जांच पड़ताल जरूर करें, या मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन ऐसा कोई भी ऑर्डर ना करें, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रसाद की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। आप अगर अयोध्या जाएंगे तो आपको मंदिर के अंदर ही प्रसाद मिलेगा, बाहर जो प्रसाद बांट रहे हैं, बाहर के जो लोग हैं वो धर्म के ठेकेदार हैं, आपको लूटने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फिशिंग होने से, ताकि साइबर क्राइम का शिकार होने से मेरे साथी, मेरे लोग बच पाए। जय हिंद, जय श्री राम।